Hello friends, good morning to all of you. Welcome to my official YouTube channel Prashant Chaturvedi Tutorials. आप सभी को पता है कल SBI Clerk Prelims का एग्ज़ाम होने वाला है. 23rd, 24th and 30th जून को शेड्यूल्ड है ये एग्ज़ाम. इस वीडियो में मैं आपसे डिस्कस करूँगा क्या क्या आपका स्मार्ट स्ट्रेटजी हो सकती है, क्या बेटर अप्रोच हो सकती है और क्या टाइम को लेकर क्या इंपॉर्टेंट टिप्स हो सकते हैं. वो सारी चीज़ें मैं आपसे डिस्कस करूँगा और किस सेक्शन में कौन सा टॉपिक पहले उठाना है, कौन सा टॉपिक बाद में उठाना है, ये सारी चीज़ें मैं आपको यहाँ पर शेयर करूँगा. देखिए एग्ज़ाम पैटर्न आप सभी को पता होगा. इंग्लिश आपका आता है 30 मार्क्स का और 30 क्वेश्चन होते हैं. मैथ्स आपका होता है 35 क्वेश्चन और 35 मार्क्स. रीजनिंग आपका होता है 35 क्वेश्चन 35 मार्क्स. बट यहाँ पर जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो है आपकी जो टाइम है. जो आपको इस बार टाइम मिलेगा वो मिलेगा 20 मिनट्स हर एक सेक्शन के लिए. और यहाँ पर सेक्शनल कट ऑफ नहीं है, ओवरऑल कट ऑफ देखा जाएगा. तो बहुत इम्पॉर्टेंट है, टाइम का बहुत ध्यान रखना है आपको. स्पेशली न्यूमेरिकल एबिलिटी, क्वांट्स में और रीजनिंग में टाइम का आपको बहुत ध्यान रखना है. 20 मिनट्स के अंदर मैक्सिमम क्वेश्चंस आपको सॉल्व करने हैं. अब मैं आपको यहाँ पर बता देता हूँ कौन सा टॉपिक पहले उठाना है, कौन सा टॉपिक बाद में उठाना है. देखिए रीजनिंग सेक्शन में आप इनइक्वालिटी सबसे पहले सॉल्व कर सकते हैं, या उसकी जगह पर अगर आपको सिलॉज में अच्छा कमांड है तो आप सिलॉज में पहले ले सकते हैं. मिसलेनियस क्वेश्चंस आप उठा सकते हैं, डायरेक्शन हो गया, ब्लड रिलेशन हो गया, एक दो नंबर का क्वेश्चन आता है, इजी क्वेश्चन होते हैं, ये आप पहले ले सकते हैं. सीरीज़ ले सकते हैं, इसके बाद आप कोडिंग डिकोडिंग उठा सकते हैं. अगर नया पैटर्न आता है तो उसमें टाइम लगता है, तो कोडिंग डिकोडिंग आप बिल्कुल लास्ट में उठाइए. अगर आपको नया पैटर्न कोडिंग डिकोडिंग एकदम बिल्कुल एकदम नया आ जाता है, आपको नहीं समझ आता कि क्या करना है, तो आप उसको छोड़ के पज़ल उठा सकते हैं, पज़ल या सिटिंग अरेंजमेंट, और लास्ट में आप कोडिंग डिकोडिंग पर जा सकते हैं. देखिए अगर वो नया पैटर्न है, नया क्वेश्चन है, तो ऐसा नहीं कि सिर्फ आपके लिए, वो सभी के लिए नया पैटर्न है. तो आपको वहाँ पर धीरे धीरे सोचना है, समझना है क्या बेस्ट अप्रोच हो सकती है, उसी के अकॉर्डिंग आपको सॉल्व करना है. और पज़ल का मैंने जैसे आपको तरीका बताया उसी अप्रोच से सॉल्व करिए, आपकी पज़ल कभी गलत नहीं होगी. मैथ्स में आपको क्या करना है, मैथ्स में आपको पहले सिंप्लीफिकेशन उठाना है. सिंप्लीफिकेशन के बाद आप नंबर सीरीज ले सकते हैं. और अगर किसी की DI में बहुत अच्छी कमांड है डेटा इंटरप्रिटेशन पे, तो पहले आप DI उठा सकते हैं. ये आपके अकॉर्डिंग है, रेस्ट इज़ अप टू यू. ये मैं सिर्फ एक सीक्वेंस बता रहा हूँ कि आपको इस सीक्वेंस के अकॉर्डिंग ऐसे ऐसे करना है. बाकी अगर आपका जिस टॉपिक पर अच्छी कमांड है तो आप अपने अकॉर्डिंग पहले उठा सकते हैं. और जब ये सारे हो जाते हैं तो फिर लास्ट में आप फिर मैथ्स में मिसलेनियस क्वेश्चंस उठाइए. और अगर कोई ट्रिकी क्वेश्चन आ जाता है, आपको नहीं समझ में आता है, तो सिंपल है, उसको स्किप करिए, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाइए. देखिए हर क्वेश्चन इक्वल मार्क्स का है, सब एक एक नंबर के क्वेश्चन है, तो किसी क्वेश्चन को आपको बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस देने की ज़रूरत नहीं है. अगर आपको लगता है ट्रिकी है, नहीं सॉल्व हो रहा है, स्किप कर दीजिए, नेक्स्ट वाले पर आ जाइए. और ज़्यादा टफ क्वेश्चंस पहले उठाने की ज़रूरत नहीं है. पहले जो सिंपल क्वेश्चंस हैं जिसमें आपका बेसिक अप्रोच लग सकता है, बेसिक कॉन्सेप्ट आप अप्लाई कर सकते हैं, आप पहले उसी को सॉल्व करिए. बाद में जो भी टफ होते हैं उनको सबको आप एकदम लास्ट में उठाइए. रीजन इंग्लिश का भी सेम ऐसा ही है, पहले आपको स्पॉटिंग एरर पर जाना है. और अगर आपको लगता है आप फिल इन द ब्लैंक्स में आपकी अच्छी कमांड है, या क्लोज टेस्ट में आपकी अच्छी कमांड है, पैरा जंबल में आपकी अच्छी कमांड है, तो आप वो पहले ले सकते हैं. अदरवाइज़ जो मेरा सीक्वेंस है, मैंने आपको जो यहाँ पर बताया, आपको उसी के अकॉर्डिंग आप चाहते हैं तो आप कर सकते हैं. स्पॉटिंग एरर के बाद आप फिल इन द ब्लैंक्स उठा सकते हैं, फिर क्लोज टेस्ट उठा सकते हैं, फिर एंटोनिम्स सिनोनिम्स जो आपका रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन में आ जाता है, आप ये उठा सकते हैं. और अगर आपके पास टाइम बचता है तब फिर लास्ट में आप पैरा जंबल और रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन को कम्प्लीट कर सकते हैं. देखिए बेटर अप्रोच और स्मार्ट अप्रोच या स्मार्ट स्ट्रेटजी यूज़ करेंगे तभी आपका एग्ज़ाम क्वालिफाई होगा. बिकॉज कंपटीशन बहुत है, 8000 वैकेंसीज़ हैं और फॉर्म फिल करने वाले एटलीस्ट 30 से 35 लाख स्टूडेंट्स हैं. तो प्रोबेबिलिटी बहुत कम होती है, 0.001% होती है प्रोबेबिलिटी आपके क्रैक करने की. तो जितना बेटर होगा, जितनी स्मार्ट स्ट्रेटजी यूज़ करेंगे उतना ही अच्छा होगा आपके लिए, ताकि आप अपना एग्ज़ाम क्वालिफाई कर सकें. विश यू ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्ज़ाम. और अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए और हमारा चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलिए. थैंक यू सो मच गाइज, थैंक यू फॉर वॉचिंग.